हेलो दोस्तों, मूवी शुरू होती है और हम लियोन को देखते हैं जिसे स्पार्टन का राजा बनाया जा रहा होता है। लियोन प्रतिज्ञा करता है कि वो स्पार्टन पर कभी भी खतरा नहीं आने देगा। लियोन की शादी क्वीन गोर्गो से होती है और उसका एक बेटा भी है। रात में लियोन गोर्गो के साथ इंटीमेट होता है। अगले दिन इन पर कुछ पर्शियन हमला कर देते हैं और लियोन उन्हें हरा देता है, लेकिन पर्शियन के राजा को अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए वो दूसरे दिन एशियन सोल्जर्स को भेजता है। अगले सीन में गोर्गो को दिखाते हैं जो सोचती है कि हमें और भी सोल्जर भेजना चाहिए और अपने मंत्री थेरान से मिलती है और उसे सोल्जर भेजने को कहती है, पर थेरान की नीयत गोर्गो पर कुछ ठीक नहीं होती है। गोर्गो जानती है थेरान के इरादे और उसे मना कर देती है। इस पर वह बोलता है कि मैं लियोन की हेल्प के लिए सोल्जर नहीं भेजूंगा, इसलिए गोर्गो को उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होना पड़ता है। अब इसके बाद गोर्गो बोलती है सोल्जर भेजे जाए, जिन पर थेरान उसे एक गिरी हुई औरत बताता है। वो कहता है कि यह किसी के साथ भी सोने को तैयार है और वह इस बात से डिनाई करती है और कहती मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन थेरान उसे एक्सपोज करने पर तुला था, जिस वजह से गोर्गो को गुस्सा आ जाता है और वह थेरान को मार देती है और उसके पॉकेट से कुछ सिक्के गिरते हैं जो कि पर्शियन के होते हैं। फिर सबको पता चल जाता है कि थेरान गद्दार है। फिर सारे सोल्जर को भेजा जाता है और हम देखते हैं कि लियोन चारों तरफ से पर्शियन से घिरा हुआ है और उन पर तीरों से हमला हो रहा है, जिससे वो वहीं मर जाता है। और इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।